चैनल रागिनीज रूटीन ब्लॉग। तो आज है फाइनली करवा चौथ, तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जस्ट अभी मैं नहा के निकली हूँ, सरगी ले ली है मैंने थोड़ी देर पहले ही। नहाने के बाद बाल भी सूखने वाले हैं, तो मंदिर भी जाना है और थोड़ा सा लेट भी हो गया है, तो इसी वजह से मैं सरगी के टाइम ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। तो बस जल्दी से अब रेडी होती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं रेडी होके। बहुत टाइम हो गया है, अभी 7:15 हुए हैं, 7:15 बजे है, तो मैं रेडी हो गई हूँ। साड़ी पहनी है मैंने और बस अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगी मंदिर। खुशहाल और उसके पापा अभी सो रहे हैं क्योंकि उनका कोई सुबह इतना कोई काम होता नहीं है, तो मैं ही उठी थी। हाउस हेल्पर मेरी आके चली गई है क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद कहीं जाने का प्लान है, तो इसी वजह से तो रेडी हुई हूँ। ये साड़ी जो पहनी है मैंने, मेरी शादी की साड़ी है, मतलब फेरे के टाइम मैंने यही साड़ी पहनी थी, तो मैंने सोचा चलो आज यही पहनी जाए। और आज 16 श्रृंगार करने होते हैं, सब कुछ कर लिया है अच्छे से, रेडी भी हो गए हैं। बैंगल्स मैंने ऐसे ही मिसमैच कर ली है थोड़ी सी, कोई इतनी कोई प्रॉपर पहनी नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं अपना पूरा लुक दिखाऊंगी क्योंकि अभी आपको पता है मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है और मैं हाथ में ही अपना फ़ोन पकड़ के शूट कर रही हूँ, तो इसी वजह से थोड़ी देर बाद जब खुशहाल के पापा उठेंगे तो मैं पूरी साड़ी दिखाऊंगी। मेहंदी भी अच्छे से रच गई है, कल रात को फिर इस हाथ में भी लगवा आई थी, तो रश बहुत ही था कल रात को भी। पंछियों की आवाज़ आ रही है, इतना अच्छा अभी मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा सा एकदम, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी जो ठंड होती है वैसी ठंड है। और पंछियों की आवाज़ बहुत ही सुंदर सी आ रही है, पीछे से सनराइज हुआ है तो सूरज की किरणें भी आ रही है, बहुत अच्छा सा लगता है जब फेस्टिवल होता है कोई भी, तो एक ना अलग फीलिंग भी अलग होती है, खुशी अलग होती है और दिन भी ऐसा लगता है आज कुछ अलग ही है। तो थोड़ी देर बाद मंदिर जाऊंगी और पूजा करने, दर्शन करने, तो मेकअप मैंने जैसा मुझे समझ आया मैंने कर लिया है, तो इतना यहाँ पे मैंने मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के लिए भी पार्लर में पूछा है, तो 2000 से स्टार्टिंग है यहाँ पे, तो और रश भी बहुत होगा, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही कर लिया जाए, कोई ज़्यादा उतना होगा नहीं, जैसा मतलब खुद को आएगा वैसा ही कर लेंगे। तो आज आप सबने कैसे कैसे अपना दिन सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर शेयर करना, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब रेडी हो गए हम और जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, और मैंने ये चेंज कर दी है, ये वाली लगाई है, पीछे कपड़े तय करने वाले पड़े हैं, तो चलिए जल्दी से मंदिर हो आते हैं। खुशहाल भी रेडी हो गया है, खुशहाल के पापा भी रेडी हो गए, तो चलिए मंदिर दर्शन करके आते हैं। Thank you.
बजे हैं 11:15। मंदिर से आके चेंज करके फिर नाश्ता बनाया था और खुशहाल के पापा नाश्ता करके गए हैं ऑफिस। थोड़ा सा काम है, जल्दी आने को बोल के गए हैं, आ जाएंगे। और खुशहाल फोन देख रहा है, तो बस अब फ्री होके चेंज कर लिया है और बैठे हैं। मंदिर में पूछ के आए हैं कथा के लिए, पर अभी टाइम वैसे तो फिक्स नहीं है, 3-4 बजे तक शुरू हो जाएगी, तो तब रेडी होके फिर जाएंगे। तो तब तक थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और खुशहाल के साथ खेलती हूँ थोड़ी देर। ये वाला सूट पहना है, नीला और ऑरेंज। तो पिछले करवा चौथ पे भी मैंने यही सूट सुबह पहना था, शाम को तो ज्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ, पर आज इस बार पहली बार था जो मैंने सुबह भी साड़ी पहन ली थी। तो बस अब चेंज करके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बात करती हूँ। अभी 3:15 हुए हैं, 3:15 बजने वाली है और 4 बजे पूजा है। मैंने खुशहाल को अभी सुलाया, मैं भी थोड़ी देर उसके साथ सो गई थी। और बस अब मैं रेडी होने जाऊंगी फोन या चार्जिंग में लगा के, तो फटाफट से रेडी होती हूँ क्योंकि 4 बजे का मुहूर्त है वहाँ पे कथा सुनने का। तो रेडी होके फिर आपसे बात करती हूँ। तो रेडी हो गई हूँ मैं, बस कथा के लिए जा रहे हैं, लेट हो गया है, 4:00 होने वाले हैं। तो बस थोड़ी देर में मैं निकलती हूँ सामने वाले भाभी के साथ, और साड़ी का ये पहनी है मैंने। तो चलिए वहां जाके मिलती हूँ मैं आप सबसे। बस मैं अभी पूजा करके आई ही हूँ और दिया रखा हुआ है, तो अभी चाय ले लेती हूँ, हमारे में ले लेते हैं। तो बस चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी, बहुत भारी भारी सा लग रहा है ना, पर यही जोड़ा बस। अब रात को जब चांद निकलेगा, चांद को अर्घ दे के जब फास्टिंग खोलना है तब तक यही जोड़ा पहन के रखना है। तो बस अब चाय पीते हैं और थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो चाय मैंने पी ली है अभी जस्ट, और खुशहाल भी उठ गया है, खुशहाल के पापा भी बस अभी आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो आज सुबह से सच्ची लग ही नहीं रहा, वैसे थोड़ा बहुत फिर भी लग जाता है, इस बार बिल्कुल भी नहीं लगा, ना भूख लगी है ना प्यास लगी है ना कमजोरी फील हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो अच्छा लग रहा है। और ये वाले जो है इयररिंग्स बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही हल्के फुल्के लग रहे हैं, बिल्कुल भी वेट नहीं लग रहा है इसका, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है आज तो, क्योंकि जब भूख प्यास नहीं लगती ना तब सही में अच्छा लगता है, वरना भूख प्यास लगती है ना तो ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं है करने का। तो देखते हैं अब 8:18 का बोला हुआ है चांद निकलने का टाइमिंग, तो कितने बजे चांद निकलेगा वो देखते हैं।
क्योंकि उसी के बाद यही छत पे से ही दिख जाएगा, तो सेकंड फ्लोर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सामने जो भाभी है वो भी साथ ही चलेंगे, तो पता चल जाएगा उस टाइम। और आज खाना बनाने की छुट्टी है, तो रात का जो खाना होगा वो बाहर से ही आएगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए कह रहे थे खुशहाल के पापा, पर आज फेस्टिवल ऐसा है तो बाहर भी बहुत ही रश होगा, तो हम टाइम से ही घर पे ही मंगा लेंगे। जो भी खाने की इच्छा होगी वो आ जाए एक बार, फिर घर पे ही मंगवा लेंगे। तो फिर आप सबके साथ शेयर करूंगी उस टाइम को भी। और खुशहाल यहीं पे लेटा हुआ है अभी, उसका अभी अभी उठा है ना, तो इरिटेट हो रहा है, मूड नहीं है अभी उसका बात करने का भी। तो चलिए पूजा के टाइम रात को जब अर्घ देने जाऊंगी तब शूट करूंगी, तो तब मिलती हूँ। खुशू, खुशहाल के पापा आ गए हैं और उसकी फ्रेंड भी आ गई है। अभी बजे हैं 8:10, बस चांद निकलने की तैयारी होगी। अभी न्यूज में आ जाएगा, फिर हम ऊपर जाएंगे और फिर पूजा करेंगे वहां पे। तो बस थोड़ी देर में चलते हैं ऊपर, न्यूज लगा के बैठे हैं कब निकले कब निकले। अब थोड़ा सा फील होने लगा है, तो बस अभी बेड पे ही लेटे पड़े हैं अभी। और अभी मैंने यही साड़ी, ये एक्चुअली मेरे मम्मी की साड़ी है और मैं लेके आई थी यहाँ पे इस करवा चौथ पे पहनने के लिए। सबको पसंद आई है, मैंने अभी वहां पे वीडियो कॉलिंग की थी, मेरे मदर इन लॉ को भी दिखाई है, फोटो वोटो खींच के भी भेजी है। सारे श्रृंगार आज करके ना बहुत अच्छा लगता है, पर अब साड़ी बस पूजा करके निकालूंगी। देखती हूँ अगर ऊपर लाइट नहीं होगी, ट्राई करूंगी ऊपर वीडियो बनाने की, पर अगर नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ हूँ, तो जितना हो पाएगा उतना शेयर करूंगी। तो चलिए बस अब थोड़ी देर में ऊपर जाने की देर है। तो हम ऊपर पूजा करके आ गए हैं चांद की, और अब मैं खाना गरम कर रही हूँ। खाना एक तरफ गरम कर रही हूँ, एक तरफ ड्रेस चेंज कर रही हूँ, और उसके बाद खाना खाते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा भूख लगी है, अब खाना खाते हैं। तो चेंज हो गया है मेरे कपड़े, सारा कुछ नहीं उतारा, क्योंकि कहते हैं ना एकदम से सारा कुछ खाली नहीं करना चाहिए। तो बिंदी झुमके गजरा
चूड़ियां सब कुछ ऐसे कैसा है, बस ड्रेस चेंज कर लिया है और खाना रेडी है, तो चलिए खाना खाते हैं। बस खाना हो गया है, जस्ट अभी फिनिश किया। भूख ऐसे लगी थी जैसे कितना कुछ खा लेंगे, पर खाने बैठो तो बिल्कुल ज्यादा खाया नहीं जाता, रोज के जितना ही थोड़ा सा खाया गया है। और ये वीडियो अब बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगर आपको ये मेरे YouTube पे पहले करवा चौथ का वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करना, आपके फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना, और जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए कल मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।